हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। देखेंगे उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, सभी जेंडर के लिए होगी। सेम जेंडर रिलेशनशिप में आप तो भी देख सकते हैं, आप मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं अपने हस्बैंड वाइफ के साथ तो भी देख सकते हैं, और आप सिंगल हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, आप पॉजिटिव हो जाइए, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बनाइए जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, अभी नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एस ऑफ स्वेट्स। नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ द एम्परर है। ओके, टू ऑफ पेंट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स। स्प्रिट हमें एक और कार्ड दीजिए प्लीज। हमारे पास दो कार्ड हैं, थ्री ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वेट्स। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड हमारे पास एस ऑफ स्वेट्स और एस ऑफ पेंटिकल्स है। चलिए, आई होप आप लोग को कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। गाइस, सबसे पहले तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं, जो सिंगल्स हैं उनके पार्टनर छोड़कर उनको किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं, रिलेशनशिप मतलब शादी ही कर लिए, तो आप लोग ये सोच सकते हैं आपका वो पार्टनर कार्मिक हो सकता है, ठीक है। और जिन लोगों का, जो लोग मैरिड हैं वो अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं, तो वो लोग पॉजिटिव। ओके गाइस, एक और हमारे पास कार्ड है यहाँ पर, थ्री ऑफ सन्स का, तो आप लोग को पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। जो सिंगल से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं वो सब लोग पॉजिटिव रहिए, ठीक है। इससे आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकेंगे, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिएगा। एस ऑफ स्वेट्स का कार्ड गाइस हमें ये दिखाता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में, मुझे यहाँ पर आज जो मैरिड पर्सन है उनके लिए इन लॉज का कुछ इश्यूज़ लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में इन लॉज का कुछ इशू हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो कुछ इश्यू क्रिएट कर सकती है आप दोनों के रिश्ते के लिए, ठीक है। तो लेकिन आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर इस शादी को टूटने नहीं देंगे, थर्ड पार्टी जो भी है उसे वो झगड़ा कर सकते हैं, उनके खिलाफ जा सकते हैं। सिंगल हैं तो भी आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली नहीं माने, फैमिली के अगेंस्ट जाकर ही कुछ हो सकता है शायद। नाइन ऑफ कॉइंस का, पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपके पार्टनर अब एक बेबाक तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी और जो भी लोग हैं, सोसाइटी, समाज है, वो चाहे आपके पार्टनर के पीछे या सामने कितना भी बोलें, उनकी बातें उनको इतना समझ आ गई हैं कि आपसे दूरियां बनाने के लिए ही वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर के सामने या उनके पीछे से कोई भी इस रिश्ते के खिलाफ बोलेगा तो उन्हें इस चीज़ का फ़र्क तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कार्ड है द एम्परर का। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, कुछ जो भी सिचुएशन से उनको अपने कंट्रोल में लेकर आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। आपके पार्टनर अगर फीमेल है तो भी वो इस वक्त इस एनर्जी में है, एम्परर की एनर्जी में है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग ऑनलाइन मिले हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर किसी और सिटी में आपको लेकर जाके रखेंगे, या फिर वो अलग सिटी में जॉब करते हैं।
और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो जिससे अभी तक आप मिले नहीं हैं, आमने सामने बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चैट होती है आप दोनों की, लेकिन आपके रिश्ते में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपके पार्टनर गाइज आपको एक ऑफर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मिलने बुला सकते हैं। जो मैरिड हैं उनके पर्सन उनके साथ रिश्ता शुरू करने के लिए बातचीत कर सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके पार्टनर उनको एक कोई सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है आप लोगों को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। अगर आप लोग के बीच में इन लॉस का कुछ इशू था तो गाइज आपके पार्टनर आपको ये बोल सकते हैं कि मैं फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तुम अभी फैमिली के साथ रह लो, और कहीं ना कहीं वो इसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपको बिना वजह टॉर्चर किया जा रहा है, बातें सुनाई जा रही हैं, ताने मारे जा रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जो आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। गाइज आप लोगों के जो दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और एक अच्छा रिश्ता था, वो ख़ासतौर पे लोगों को ज़्यादा कहते हैं ना कि जब दो लोग एक साथ बहुत खुश होते हैं तो कुछ लोग हमें समझ भी नहीं आते, वो जेलेसी रखते हैं हमारे साथ में। कुछ ऐसे लोगों का आप लोगों के साथ बातचीत हुई होगी, सामना हुआ होगा कि जो लोग आप दोनों के रिश्ते को, मतलब आप दोनों को खुश नहीं देख पाए, आप दोनों की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़, अगर सिंगल हैं या मैरिड हैं या सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी सभी के लिए है, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे की केयर करते होंगे, आप दूसरे की एक बात मानना, एक दूसरे को इज्जत देना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आप दोनों का रिश्ता बिगड़ा, उसके अंदर आपके पार्टनर का आपके ऊपर गुस्सा करना, आपसे दूरियाँ बनाना, आपको अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करना, साफ कह देना कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें कह देना जो आपकी उम्मीद से आपकी सोच से बाहर थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें ना गाइज, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ रूड बिहेव किया था, इग्नोर किया था, तो वो अब आपकी तरफ वापस खुद से झुकेंगे। हो सकता है ईगो ज़्यादा होने की वजह से वो सॉरी नहीं करें, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देंगे, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी थी, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो थर्ड पार्टी चली जाएगी और आपके पार्टनर कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ में, क्योंकि वो इन सब सिचुएशन से ना, थर्ड पार्टी से, लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट है। जिन अपनों की वजह से, सोसाइटी, समाज है, उनकी फैमिली थी, कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे, उनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था ना, उन सब ने उनको अभी तकलीफ़ दी है। हो सकता है कि उनको कुछ ऐसी बातें कह दी हों जो उन्हें पसंद ना आई हों, ठीक है, और कुछ ऐसा हुआ हो उनको कि उनकी बात कहीं मानी ही नहीं गई हो, तब उन्हें आपकी वैल्यू समझ आई है, उन्हें ये समझ आया कि आप उनकी कितनी केयर करते थे, आप उन्हें कितना समझते थे। अगर उन्होंने आपको कभी डांट भी दिया तो आपने स्माइल कर दी थोड़ी सी, या उस चीज़ को इग्नोर करके उन्हें खुद ही मना लिया, इस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई होंगी। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, अब आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं आपके पार्टनर, अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको गाइस आपकी वैल्यू तो समझ आ रही है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये बॉटम की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स आपको नई शुरुआत करेंगे गाइस, यहाँ पे फिर बॉटम की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको उतना ही प्यार वापस करेंगे जितने आप डिज़र्व करते हैं उनकी लाइफ में। आप उनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आप उनके लिए अब उनको समझ आ रहा है कि उनकी नज़र में आपकी कितनी वैल्यू है, आप कितनी ज़्यादा उनकी केयर करते थे, उनके बारे में सोचते थे। अगर वो उनका बाहर कुछ ऑफिस में झगड़ा हो गया है या कुछ भी चीज़ आ गई, तो कितने पॉजिटिव तरीके से आप उनको संभालते थे, उनके हर बात को सुनना, समझना, उनको वैल्यू देना करते थे, वो ये सब चीज़ें अभी आपके मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं उन्हें लेकर, ठीक है गाइज। मुझे आप लोगों से एक चीज़ और कहनी है, आप लोग कभी नेगेटिव मत होइएगा, और अगर आपकी कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन थी कि आप भी मैरिड हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हैं, आप लोग का डिवोर्स हो चुका है, आप किसी नए पर्सन के लिए देख रहे हैं, या फिर भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव ज़रूर यहाँ पर होंगी और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगर आप मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, तो आपकी लाइफ में गाइज कोई ना कोई पार्टनर ऐसा आने वाला है जो आप
आपकी वैल्यू करेगा और आपको समझेगा। जो सिंगल है उनकी शादी हो सकती है, अगर आप डिवोर्स्ड हैं और दूसरी शादी के लिए देख रहे हैं तो भी, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए देख रहे हैं तो भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। वापस से आपकी एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होगी और वो आपकी जितना आपने सोचा नहीं होगा उतनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। मैन होल्डिंग ए कॉइन, गाइज आपके पार्टनर इस वक्त आपको खोना नहीं चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा नया पर्सन आएगा वो भी ऐसा ही होगा, जो आपको खोना नहीं चाहेगा, आपकी केयर करेगा, आपको संभाल के रखेगा। आपके जो जितना आप हर्ट हुए हैं उससे ज़्यादा वो आपको कई ज़्यादा खुशियाँ देगा, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला पर्सन है। हो सकता है कोई वेट कर रहा हो आपका, अभी आपको प्रपोज नहीं किया, कुछ दिन में शायद प्रपोज कर दे। ठीक है, एक कार्मिक साइकिल होती है, कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, गाइस आपको एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको एनर्जी दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके पार्टनर को सही रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो अपनी धार्मिक किताबें पढ़िए, जो रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये सब चीज़ें आप पढ़ के अपने मन को शांति दे सकते हैं। ज़्यादा टाइम मत दीजिए लेकिन थोड़ा सा तो खींचे, जिससे कि आपको थोड़ा सुकून मिलेगा आपके दिल दिमाग को। ठीक है ना, ब्रोकन हार्ट, गाइस आपके पार्टनर जितना आप हर्ट हैं इस सिचुएशन में, आपके पार्टनर भी उतना ही हर्ट हैं। या तो आपको बहुत बुरा भला कह दिया है उन्होंने, या आपकी बात नहीं मानी है, आपसे दूरियां बना ली, उन सब चीज़ों से, थर्ड पार्टी से बहुत हर्ट हैं अभी आपके पार्टनर। जो उन्होंने किया है वो तो थोड़ा उनको भुगतना पड़ेगा। अटैचमेंट, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस रिश्ते में और ये रिश्ता टूटेगा नहीं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अब आपका रिश्ता वापस से हील होगा, आपकी लाइफ वापस से हील होगी, सारी चीज़ें वापस से ठीक होंगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। नए पर्सन आ सकता है, कोई जो सिंगल है अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं उनको कमिटमेंट मिलेगा, जो मैरिड है उनके पार्टनर के साथ उनका रीयूनियन होगा, और जो लोग नए पर्सन के लिए देख रहे हैं उनके लाइफ में कोई बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है उनकी शादी भी हो जाए उस पर्सन से। अटैचमेंट का कार्ड है, आप दोनों एक कड़ी से जुड़े हुए हैं, रिश्ता नहीं टूटेगा आप दोनों का। आप दोनों के साथ में जो भी चीज़ें हुई हैं, बुरे हालात हुए हैं, दूरियां बन गई, लेकिन आप दोनों का रिश्ता नहीं टूटेगा, इतना तो मैं आपको भी बता सकती हूँ। ठीक है, इसलिए कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें। बाय बाय।